अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 15 है और ये लेक्चर जो है वो हमारा राउटिंग एल्गोरिदम्स के हवाले है। इसमें हम लोग देखेंगे कि राउटिंग एल्गोरिदम होते क्या हैं और वो कैसे आपके पास वर्क करते हैं। तो राउटिंग एल्गोरिदम को समझने के लिए हमें थोड़े से बेसिक्स इसके देखते हैं। अज्यूम करेंगे हम लोग इधर जो राउटिंग एल्गोरिदम के अंदर जो नेटवर्क होगा उसको हम लोग एक ऐसे ग्राफ के तौर पर अज्यूम करेंगे। अनडायरेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, जिसमें ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ में आपके पास नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। जो नोड्स बेसिकली अगर बात करें हम लोग तो जो नोड्स होते हैं वो अगर नेटवर्क में बात करेंगे तो वो आपके ये राउटर्स होंगे और जो एजेस होंगे वो आपके पास ये लिंक्स कहलाते हैं। फिज़िकल लिंक्स जो होते हैं आपके पास वो एजेस कहलाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस वो हमारे पास ग्राफ बनता है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे इस डायग्राम में कि आपके पास यू से लेके जी तक जो हैं वो सेट ऑफ राउटर्स हैं और देन उनके कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स हैं। और इधर आप लोग एक और बात ये देख सकते हैं कि हर लिंक की कुछ कॉस्ट है। तो ये आपके पास वेटेड ग्राफ है और चूंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ है। तो नेटवर्क में हम लोग कुछ इसी तरह से अज्यूम करेंगे कि जिसमें हमारे पास जो ग्राफ की अगर बात करेंगे तो जो नेटवर्क बनेगा वो हमारे पास अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ की सूरत के अंदर बनेगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो राउटिंग एल्गोरिथम होगा वो डिटरमाइन करेगा बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो अगर बात करें तो यहाँ पे पास राउटर्स क्या हैं या जो नोड्स हैं वो क्या हैं, वो तो यू वी एक्स डब्ल्यू वाई एंड जी, ये हमारे पास नोड्स हैं जिसको हम लोग राउटर्स कहते हैं। और जो सेट ऑफ लिंक्स हैं वो हमारे पास एजेस कहलाएंगे। जैसे यू वी ये एक लिंक है, यू डब्ल्यू ये सेकेंड लिंक है, इसी तरह बाकी आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हमारे पास हर जो लिंक है या जो हर एज है, हर एज की कुछ कॉस्ट हमने असाइन की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं जो कॉस्ट है बिटवीन यू टू डब्ल्यू वो हमारे पास 5 है। तो इसको कुछ फार्मूला ऐसा लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्स एंड एक्स बार जो है वो आप बेसिकली आपके पास कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू एंड जी जो है, जैसे वो है कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू एंड जी वो 5 है। तो इस तरह हम लोग इसको कुछ नोटेशन देंगे कि जो कॉस्ट है बिटवीन दो एजेस दो राउटर्स के दरमियान में वो आपके पास वो क्या कॉस्ट है, वो बेसिकली उस लिंक की कॉस्ट है। जैसे अगर हमने बात करनी होगी कि यू और वी के दरमियान में कॉस्ट क्या, तो सी यू एंड वी विल बी 2। सो और अगर हम लोग सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक की जो अगर कॉस्ट पता कर लेंगे तो वो हमारे पास उस पूरे पाथ की कॉस्ट होगी। तो मिनिमम जो कॉस्ट हो सकती है हम लोग यहाँ पे अज्यूम जो करेंगे वो मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम जो है वो इनफाइनाइट कॉस्ट हो सकती है। तो अगर आपके पास यू से लेके जी तक ये एक सोर्स है जहाँ डेटा ओरिजिनेट होगा और डेस्टिनेशन है जहाँ पर डेटा रिसीव होगा। इन सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में कुछ बीच में इंटरमीडिएट राउटर्स और कुछ लिंक्स वगैरह हैं। तो इसके दरमियान में सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में बेस्ट पाथ कौन सा है, तो ये डिटरमाइन किया जाएगा। राउटिंग एल्गोरिदम अपना काम करेगा। अब वो कैसे काम करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि वो पाथ या वो रूट जिसकी कॉस्ट सबसे कम है वो आपके पास बेस्ट पाथ या ऑप्टिमल पाथ होगा। तो अब ये किस तरह मालूम होगा, तो उसके लिए हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम या राउटिंग की स्ट्रेटजीज हैं। तो राउटिंग एल्गोरिदम की अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो राउटिंग एल्गोरिदम दो तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं, ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज। ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम वो होते हैं जिसमें आपके पास हर राउटर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ टोपोलॉजी होती है और उसको हर लिंक की कॉस्ट भी पता होती है। इस तरह के राउटिंग एल्गोरिदम को हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम कहते हैं, जिसमें बेसिकली आपके पास सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पाथ बताया जाता है और हर नोड को अपने तमाम इंफॉर्मेशन होती है टोपोलॉजी की और हर लिंक की कॉस्ट की। तो
तो इस तरह का अगर आपके पास कोई राउटिंग एल्गोरिथम होगा, वो ग्लोबल या लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम कहलाएगा। या डिसेंट्रलाइज या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम वो होते हैं जिसमें जो राउटर्स होते हैं वो फिजिकली कनेक्टेड नेबर्स की कॉस्ट पता होती है, और इसमें जो रूट कैलकुलेट होगा वो आइटरेटिव मैनर के अंदर कैलकुलेट होता है, नेबर्स तक का रूट कैलकुलेट होगा, देन फिर आपके पास एक नेबर से करते करते आप जो हैं बाकी सारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के जो एल्गोरिथम होगा उसको हम लोग डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम कहते हैं। अच्छा, राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें तो स्टैटिक या डायनामिक भी राउटिंग एल्गोरिथम हो सकते हैं। स्टैटिक की बात करेंगे तो स्टैटिक वो एल्गोरिथम होंगे जो जिनमें अगर रूट कोई चेंज हो तो वो काफ़ी स्लोली तौर पर रूट की कॉस्ट को चेंज करते हैं, और डायनामिक वो होंगे जिसमें रूट की चेंज होगी तो वो क्विकली तौर पे उसको पीरियोडिक अपडेट के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकता है, या उसमें जो लिंक की कॉस्ट अगर कहीं पे चेंज हुई तो उसका कोई रिस्पॉन्स दे सकता है। जब पहले की बात करते हैं हम लोग, जो कि लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है, जो बेसिकली आपके पास ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम होगा, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें जो हमारे पास पहली एल्गोरिथम जिसकी बेस के ऊपर काम होगा वो आपके पास डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम है। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम में क्या होगा कि आपके पास चूँकि लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है तो इसमें आपके पास टोपोलॉजी और लिंक कॉस्ट जो होगी वो तमाम नोड्स को पता होगी। ये किस तरह पता की जाएगी, तो इसके लिए लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट का मैसेज होगा जिसके अंदर लिंक की कॉस्ट और टोपोलॉजी कौन कौन कनेक्टेड है वो सारा कुछ हर नोड बता देगी, और हर नोड के पास सेम इन्फॉर्मेशन होगी। और जो लीस्ट कॉस्ट होगी वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कैलकुलेट की जाएगी, और नो डाउट इसमें हम लोग वन बाय वन चलेंगे, और फॉरवर्डिंग टेबल जो होगा हर नोड के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो इसमें कुछ नोटेशंस हैं वो पहले बात कर लेते हैं फर्दर वर्किंग में जाने से पहले। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ लिंक है वो कुछ इस तरह से होगी, सी एक्स वाई दो नोड्स के दरमियान में उसकी जो लिंक की कॉस्ट होगी वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। अगर वो उसके पास डायरेक्ट नेबर है तो फ़ौरन वहाँ पे पता चल जाएगी, अगर डायरेक्ट नेबर नहीं है तो उसकी इनफाइनाइट कॉस्ट होगी। और जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो करंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट बात होगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वी, वो इस तरह से लिखी जाएगी। और प्रेडिसेसर नोड फ्रॉम पाथ टू फ्रॉम पाथ सोर्स टू वी, वो जो होगा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और एन जो होगा हमारे पास सेट ऑफ नोड्स होंगे जिसके लीस्ट कॉस्ट पाथ हमें नोन होगा। तो कुछ इस तरह से बात करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें जैसे ये ग्राफ है आपके पास, इस ग्राफ में जो हमारे पास डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम, अगर बात करेंगे डाइजेस्ट्रा कैसे काम करेगा तो ये एक टेबल बनता है। टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पास पहला स्टेप होगा, टोटल हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 सिक्स नोड्स हैं, तो इसका मतलब है सिक्स स्टेप्स होंगे, तो ज़ीरो से लेके फाइव तक आपके पास स्टेप्स होंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास अभी जो कॉस्ट है वो स्टार्ट करना है हमने ज़ीरो यू से, एंड करेंगे जी के ऊपर, ये हमारा सोर्स है डेस्टिनेशन है। तो जो भी आपका स्टार्टिंग नोड होगा वो आपके पास एन बार आ जाएगा शुरू में स्टेप ज़ीरो के ऊपर। अच्छा जी, यू डायरेक्टली किस किस से कनेक्टेड है, तो यू एक्स से कनेक्टेड है, यू डब्ल्यू से कनेक्टेड है, और यू वी से कनेक्टेड है। तो V की कॉस्ट क्या आ गई, वो आपके पास 7 आ गई, 7, और किस तरह आ गई कि वो U से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो 7U आ गया। इसी तरह W की कॉस्ट क्या है, वो 3U आ गई। X की कॉस्ट क्या है, 5U आ गई। अच्छा, Y और Z जो हैं वो U से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनकी कॉस्ट जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है जिनकी कॉस्ट आ गई इन सब में से, तो वो 3 है आपके पास। तो हम लोग 3 को सिलेक्ट करेंगे, और 3 जो है वो कौन सा नोड है, वो आपके पास W नोड है, तो ये नोड आपके पास सिलेक्ट हो गया। अब W के पास कौन कौन से नेबर्स कनेक्टेड हैं, तो W के पास V वाला भी कनेक्टेड है। कैसे V कनेक्टेड है, कि ये प्रीवियस कॉस्ट और ये, तो 6 हो गई। अब इसकी कॉस्ट हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक हो गया, तो 6 कॉस्ट इसकी अपडेट हो गई। अच्छा, W से W तो वो आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, W से U जो है, सॉरी W से X जो है वो आपके पास 4 और 3, 7 है, तो प्रीवियस कॉस्ट जो थी वो 5 थी, तो प्रीवियस कॉस्ट से अगर छोटी कॉस्ट है तब आप अपडेट कर देंगे, अगर प्रीवियस कॉस्ट से बड़ी कॉस्ट है तो आप उसको पुराने वाली कॉस्ट को ही रहने देंगे।
तो ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर डब्ल्यू से वाई कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है। तो डब्ल्यू से वाई की कॉस्ट जो है वो किस तरह है, वो आपके पास प्रीवियस कॉस्ट यू से डब्ल्यू तक की वो 3 है, और नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो 8 है, तो 3 + 8 दैट इज़ 11। तो आपके पास 11 कॉस्ट आ गई वाई की। डब्ल्यू जी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इन्फिनिटी आ गई। अब इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है, वो आपके पास ये वाली है एक्स वाली। तो अब एक्स को सिलेक्ट करेंगे, अब हमने एक्स को सिलेक्ट कर लिया दिस वन। एक्स पे आए तो एक्स किन किन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो एक्स कनेक्टेड है वी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो पुरानी वाली कॉस्ट हम लोग लिख देंगे। अच्छा जी, डब्ल्यू से कनेक्टेड, डब्ल्यू तो हमने लास्ट टाइम चेक कर लिया था, तो डब्ल्यू को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। एक्स कनेक्टेड है जी वाई से, वाई की कॉस्ट कितनी है, 5 प्रीवियस कॉस्ट और 7 नेक्स्ट कॉस्ट, तो ये 12 बनती है। तो 12 11 से बड़ा है, इस केस में अपडेट नहीं करेंगे। देन एक्स जो है वो कनेक्टेड है जी जी से, तो जी की कॉस्ट क्या होगी, 5 + 9 डेट इज़ 14। तो 14 हम लोग लिख देंगे, और जो उसका पाथ क्या होगा, वो उसके पास एक्स से कनेक्टेड होगा। अच्छा, अब इन तीनों में से छोटा जो है वो ये वाला नोड है जो कि वी है, अब वी सिलेक्ट होगा दिस वन। वी किन किन से कनेक्टेड है, तो वी आपके पास वाई और जी से, सॉरी वाई से कनेक्टेड है। वाई की कॉस्ट क्या होगी, 7 + सॉरी जो वी है, ये है आपके पास वी है, वी की प्रीवियस कॉस्ट जो थी वो 6 थी, 6 + आपके पास 4 ये वाली कॉस्ट, क्योंकि इस तरह आप आए थे यू के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, तो 6 थी, 6 + 4 तो आपके पास 10। तो अब 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो इस केस में आप अपडेट कर देंगे, और नेक्स्ट जो है वो उसी तरह रहेगा, 14 ही है। अब इन दोनों में से जो छोटा है वो वाई है, वाई को सिलेक्ट करेंगे, तो वाई की कॉस्ट क्या है, 10, 10 + 2 जो है वो 12 है, तो आप यहाँ पे 12 की कॉस्ट को अपडेट कर देंगे, बाकी आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 12 भी सिलेक्ट होगा, तो आपका जो अब पाथ बना वो यू डब्ल्यू एक्स वी एंड वाई, ये आपका पाथ बना। अब इस पाथ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप बेसिकली ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें आप प्रीडिसेसर से ट्रेस करते हुए आएंगे, सॉरी ट्रेस स्टार्ट करेंगे प्रीडिसेसर नोड से, और उसमें आपके पास ट्रैवर्स करते हुए डेस्टिनेशन सोर्स तक आएंगे। कैसे होगा, तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये पहले आपके पास वाई और जी ये वाली डायरेक्शन आ गई, देन वाई और वी, देन डब्ल्यू और वी, देन आपके पास यू एंड एक्स एंड डब्ल्यू एंड यू, ये आपके पास इस तरह का बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। तो इनिशियली तौर पे हमारे पास जो सोर्स है वो ये है, डेस्टिनेशन आपके पास जी है। इस केस में स्टार्ट करते हैं यू से, तो यू डायरेक्टली कनेक्टेड है वी से, डब्ल्यू से एंड एक्स से। तो कॉस्ट आपके पास यहाँ पे लिख दी गई है, 2 कॉस्ट है वी तक की, डब्ल्यू तक की 5 कॉस्ट है, और एक्स तक की 1 कॉस्ट है। तो इन दोनों में से, इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो आपके पास एक्स है, एक्स को सेलेक्ट कर लिया। एक्स पे जो है आपको दोबारा कैलकुलेट की जाएगी कॉस्ट, और फिर जो है वाई सेलेक्ट हो गया, वाई पे दोबारा कैलकुलेट की जाएगी, देन जो सेकेंड सेलेक्ट होगा वो, देन थर्ड, और फिर आपके पास के बाद बन गया। अब आपके पास जो रिजल्टिंग शॉर्टेस्ट पार्ट ट्री होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वो आप इस तरह बनाएंगे, और फॉरवर्डिंग टेबल जो होगा वो आपके पास इस तरह से बन सकता है कि अगर आपने वी पे जाना है तो यू और वी से जाएंगे, ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर आपने वी पे जाना है, अगर आपकी डेस्टिनेशन वी है ये, तो आप यू वी से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यू वी की जो कॉस्ट है सबसे कम है, और लिंक जो है उसका वो ये बनता है। अगर आपने एक्स पे जाना है तो यू एक्स से, अगर वाई पे जाना है तो आप यू एक्स से होके वाई पे जाएंगे, देन आपने अगर डब्ल्यू पे जाना है तो भी आप यू एक्स और वाई से होके जाएंगे, और फिर अगर आपने जी पे जाना है तो यू एक्स वाई एंड जी, इस तरह आपके पास डेस्टिनेशन मिलेंगे।
तो ये आपके पास रिजल्टिंग प्रॉब्लम टेबल U से बनेगा। U आपका सोर्स है, डेस्टिनेशन जो है वो Z है। डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, W भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, X भी हो सकता है, V भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टर एल्गोरिथम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर इसमें आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स हों तो उसका मतलब ये है कि आपको हर आइट्रेशन पे कंपैरिजन भी करना है। कंपैरिजन करने के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो अगर n नोड्स हैं तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इसके जो कंपैरिजन्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैं, कंपैरिजन्स भी ज़्यादा हैं। फिर अपडेट भी करना है, हर नोड को चेक करना है हर आइट्रेशन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ n स्क्वायर है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग मज़ीद अगर एफिशिएंट बनाना चाहें तो ऑर्डर ऑफ n log n में बना सकते हैं। मगर इसमें एक इशू ये आता है कि इसमें ऑसिलेशन हो सकती हैं, कि अगर आपके पास लिंक कॉस्ट इक्वल हो, अगर आपके पास अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कैरी की जा रही है, तो उस केस के अंदर आपके पास ऑसिलेशंस होंगी। ऑसिलेशंस में आप बस जो है इनफिनिटली तौर पे कॉस्ट को अपडेट ही करते रहेंगे, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम है वो आपके पास है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली आपके पास डिसेंट्रलाइज राउटिंग एल्गोरिथम है, जिसमें अब हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं बल्कि हम लोग नेबर्स तक की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो एल्गोरिथम है वो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, जो कि बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज करते हुए काम करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो आपके पास अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई पता हो, तो उसका मतलब ये कि हमें जो कॉस्ट होगी लीस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई वो, देन इसका मतलब है कि उसके दरमियान में जितने नोड्स आएंगे उनकी सबसे जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो इस तरह पता की जाएगी कि नेबर्स की कॉस्ट, देन नेबर से ऑनवर्ड डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट। तो अगर बेलमैन फोर्ड की एग्जांपल लें तो कुछ इस तरह से आपके पास वही एग्जांपल को अगर देखें बेलमैन फोर्ड से कैसे हल किया जा सकता है, तो बेलमैन फोर्ड में क्या होगा कि आपके पास, मैंने कहा था कि आपको ये आपका सोर्स है एक्स और ये वाई कोई डेस्टिनेशन है, बीच में वी भी आता है। तो मतलब ये कि एक्स से वाई, एक्स से वी तक की कॉस्ट, देन वी से वाई तक की जो कॉस्ट होगी उन सब का जो मिनिमम होगा वो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम बनेगा। अच्छा, बेलमैन फोर्ड जो है वो कैसे काम करेगा कि अगर आपका सोर्स यू है, जी डेस्टिनेशन है, तो U से लेके Z तक की अगर आपको कॉस्ट पता करनी है, वो भी मिनिमम कॉस्ट पता करनी है, तो इस केस में U से V, U से X, U से W प्लस उनसे ऑनवर्ड जितनी कॉस्ट है उनके नेबर्स की वो आप पता करेंगे, तो इसमें आपको पता चल जाएगा फाइनली तौर पे। अच्छा, तो इस केस में अगर आपने स्टार्ट करना है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर इक्वेशन यहाँ पर लगाई जाए तो कुछ हमारे पास नोन वैल्यूज़ हैं कि एक्स से लेके जी तक की जो कॉस्ट है वो आपको पता है वो 3 है, और ये बेसिकली डब्ल्यू से होना चाहिए था, डब्ल्यू से थोड़ा सा गलत हो गया, डब्ल्यू से लेके जी तक की जो कॉस्ट है, डब्ल्यू से जी तक जो है वो 5 है, और एक्स से लेके, एक्स नहीं है बेसिकली, वी से जी तक की जो कॉस्ट है वो आपके पास 10। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने देखा था कि जो आपके पास V से Z तक की जो कॉस्ट है, V से Z तक की जो कॉस्ट है वो आपके पास 5 आती है, ये 2, ये V से आप X गए, X से Y एंड देन Z, तो ये 5 आ गया आपके पास। देन X से Z तक की, क्योंकि U जो है वो इनसे कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो वो कॉस्ट किस तरह है, वो आपके पास 1 प्लस
टू थ्री है। और बेसिकली मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि क्योंकि यू जो है वो वी से कनेक्टेड है, तो हमने यू से वी तक की कॉस्ट वो प्लस वी से जी तक की कॉस्ट, तो वी से जी तक की जो कॉस्ट है वो टू ये वाली कॉस्ट, देन वन, देन टू, तो फाइव है वो जो कॉस्ट है बिटवीन वी एंड जी वो फाइव है। देन आपके पास अगर यू एक्स से कनेक्टेड है तो एक्स से जी तक की कॉस्ट कितनी है, वन प्लस टू, मिनिमम जो है वो आपके पास थ्री है। अच्छा, फिर आपके पास यू जो है वो डब्ल्यू से कनेक्टेड है, डब्ल्यू से जी तक की जो मिनिमम कॉस्ट है, एक तो ये रूट है और एक आपके पास ये वन और ये टू, तो ये थ्री है। अच्छा जी, तो अगर बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन लगवाई जाए कि जिसमें हमने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक मतलब यू से लेकर जी तक की मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कैसे होगा कि मिनिमम होगी बिटवीन कॉस्ट ऑफ यू एंड वी प्लस वी एंड जी, ठीक है, या सेकंड जो हो सकता है वो हो सकता है यू से एक्स एंड एक्स से जी, और थर्ड हो सकता है यू से डब्ल्यू एंड डब्ल्यू से जी। अब देखते हैं कि मिनिमम पाथ कौन सा निकलता है। तो यू से वी तक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो आपके पास टू है, एंड देन टू ये आ गया और वी से जी तक की जो कॉस्ट है वो फाइव है, टू प्लस फाइव ये एक रिज़ल्ट आ गया। देन यू से एक्स तक की जो कॉस्ट है वो वन है और एक्स से जी तक की जो कॉस्ट है वो थ्री है, ये हो गया। अच्छा, देन आपके पास यू से डब्ल्यू तक की जो कॉस्ट है वो फाइव है और डब्ल्यू से जी तक की जो कॉस्ट है वो थ्री है, तो आपके पास ये आ जाएगा सेवन, ये आ जाएगा फोर और ये आ जाएगा एट। इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम है वो आपके पास है फोर, जो कि बेसिकली है यू से एक्स एंड एक्स से जी, तो इसका मतलब है कि बेस्ट पाथ जो बनता है वो यू से एक्स, एक्स से जी। तो यहाँ पे हमने पूरा जो है टेबल वो हर नोड को आइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ नेबर्स को पता करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो बेलमैन फोर्ड है उसमें जस्ट नेबर्स तक की आपको इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप शॉर्टेस्ट पाथ हर हॉप पे फाइंड कर सकते हैं और उसमें आपको फॉरवर्डिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस फैक्टर एल्गोरिथम है वो बेसिकली आपके पास लीस्ट कॉस्ट पता करके देता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और वो मेंटेन करता है आपके पास ये डिस्टेंस फैक्टर। और जो नोड कोई भी नोड होगी उसको अपने नेबर्स का पता होगा और नेबर्स के डिस्टेंस की कॉस्ट मेंटेन करेगी, और वो जो मेंटेन करेगी वो अपने फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर मेंटेन करेगी। और अगर किसी टाइम पे कोई नई कॉस्ट पता चल जाती है तो वो अपने नेबर्स को ही बताएगा, कोई नई कॉस्ट अगर आ गई तो किसी भी सूरत के अंदर वो नेबर्स को ही बताएगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मतलब ये है कि अगर कोई कॉस्ट लिंक कॉस्ट अगर अपडेट होती है तो अपने नेबर्स को ही बताएगा यूजिंग जो इसकी इक्वेशन होती है। दूसरा ये कि इसमें हम लोग आइटरेटिव या एसिंक्रोनस अप्रोच इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपके पास जो लिंक कॉस्ट है वो हर नोड बेसिकली अपने नेबर्स की चेक करता है, और जो लिंक कॉस्ट अगर होगी तो वो अपने नेबर्स को ही बताएगा और देन नेबर्स जो हैं वो बाकी अपने नेबर्स को बताएंगे। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन के अंदर आपके पास कॉस्ट चेंज हो सकती है। अच्छा, हर नोड क्या करेगा, हर नोड ये करेगा कि अपने जो लोकल लिंक या जो मैसेज है नेबर्स का उसका वेट करेगा, और अगर कोई मैसेज मिलता है उसको तो अपनी जो कॉस्ट है उसको दोबारा कंप्यूट करेगा और फिर अपने नेबर्स को बताएगा कि मैंने अभी ये नई कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, और फिर नेबर्स भी अपने मजीद नेबर्स को बताएंगे। कैसे काम करते हैं ये एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपके पास एक एक्स है, एक वाई है और एक जी है, इन तीनों की कॉस्ट आपके पास लिखी है। एक्स से वाई जो है वो टू है, वाई से जी वन है और एक्स से जी जो है वो सेवन है। अब कैसे कैलकुलेट करेगा, नोड एक्स के ऊपर क्या टेबल बनेगा, नोड वाई पे क्या टेबल बनेगा और नोड जी पे क्या टेबल बनेगा। तो नोड एक्स पे पहला टेबल कैसा बनेगा कि एक्स से कॉस्ट वाई तक की कितनी है, एक्स से एक्स ज़ीरो है, एक्स से वाई टू है, एक्स से आप वाई जा रहे हैं तो टू है, और एक्स से जी जो जा रहे हैं वो सेवन है। पहली इटरेशन में ये हो गया। अच्छा, और पहली इटरेशन में वाई के ऊपर क्या कैलकुलेट होगा, वाई से वाई तक की कॉस्ट ज़ीरो है, वाई से एक्स तक की कॉस्ट टू है, वाई से जी तक की कॉस्ट वन है। अब z पे बात करते हैं, z से आपने x पे जाना हो तो x तक की कॉस्ट 7 है, y पे जाना हो तो 1 है, और z से z पे जाना हो तो 0 है। तो ये टेबल कैलकुलेट हो गया। अब जैसे ही ये कैलकुलेट हुआ तो हर नोड अपने नेबर को बताएगा, मतलब x y को बताएगा, y x को बताएगा, y z को बताएगा इसमें बाकी, और y x को भी बताएगा, सॉरी y z को भी बताएगा और x z को भी बताएगा।
तो अब क्या हो गया, अब ये हुआ, ये नई कॉस्ट कैलकुलेट होगी कि फ्रॉम वाई ये आपके पास आ गई कॉस्ट, टू आ गया, ज़ीरो आ गया, वो बेसिकली वाई ने अपना टेबल एक्स को शेयर किया और जी ने भी अपना टेबल एक्स को शेयर किया, तो उन्होंने उसने बाकी कॉस्ट भी वहाँ से पता कर ली। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला किस तरह लगाएंगे कि हमने कॉस्ट वाई की पता करनी है। अब हमें पता चल गया है कि जो कॉस्ट वाई की है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स से वाई तक की जो कॉस्ट है वो आपके पास इस तरह आ सकती है कि एक्स से वाई प्लस वाई टू वाई वो ज़ीरो है प्लस, और या फिर एक्स से जी एंड देन जी से वाई, ये भी आपके पास एक तरीका है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो टू प्लस ज़ीरो वो टू है और सेवन प्लस एट, सेवन प्लस वन वो एट है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो आपके पास टू है, यहाँ पे आप टू प्लेस कर देंगे। अब बात करते हैं एक्स से जी, तो एक्स से जी जो है वो आपके पास पहली कॉस्ट जो है वो सेवन है, दूसरी कॉस्ट जो है वो टू प्लस वन वो आपके पास थ्री है। तो अब यहाँ पे जो टेबल कैलकुलेट होगा वो आपके पास थ्री हो जाएगा। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं पहले एड्रेस में सेवन था, अब वो थ्री हो गया। इसी तरह बाकी आप सबका टेबल कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट ही आपको मिलेगा, तो ये टेबल एक्सचेंज करने के बाद आपको पता चल रहा है कि जो लिंक की कॉस्ट है, जैसे ही कोई लिंक की कॉस्ट चेंज होती है तो वो अपने नेबर्स को बताता है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मिनिमम कॉस्ट है वो आपको पता चल जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं अगर कोई लिंक की कॉस्ट चेंज होती है, कोई नोड ने डिटेक्ट किया कि यस पहले फोर थी कॉस्ट अब वन हो गई है, तो वो अपने नेबर्स को नोटिफाई करेगा। तो अगर तो कॉस्ट कम हो गई है, इसका मतलब है गुड न्यूज़ है, तो जो गुड न्यूज़ है वो जल्दी ट्रैवल करेगी। जैसे ही नोड को डिटेक्ट करेगा कि कॉस्ट अपडेट हुई है और कॉस्ट जो अपडेट हुई है वो कम है कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कॉस्ट के, तो फौरन से अपने अपडेट्स, अपने जो नेबर्स हैं उनको अपडेट भेज देगा। और अगर आपके पास वही कॉस्ट जो चेंज हुई है वो अगर इंक्रीज़ हो गई है, तो जैसे ही वो कॉस्ट चेंज होगी, तो चूंकि वो अब इंक्रीज़ होगी बेसिकली वो बैड न्यूज़ है, तो उसका मतलब ये है कि वो थोड़ी देर इंतज़ार करेगा और देन उसको जो बैड न्यूज़ है उसको स्लोली ट्रैवल करवाना है। और इसमें ये होता है कि इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि बैड न्यूज़ ट्रैवल स्लो, और ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आता है जिसमें हम लोग जो है वो थोड़ी देर वेट करने के बाद ऑलमोस्ट 44 आइट्रेशन वेट कर लगती हैं एल्गोरिदम को स्टेबलाइज करने के लिए। तो जो लिंक कॉज अगर आप कहीं पे डिटेक्ट करेंगे और वो बैड न्यूज़ हुई, तो उसको हम लोग लेट ट्रैवल करवाते हैं। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर का, बेसिकली डाइजेस्ट्रा और बेलमैन फोर्ड का, तो जो लिंक स्टेट है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ एन ई है, जिसमें आपके पास एन जो नोड्स हैं और ई जो आपके पास लिंक्स हैं, तो जो मैसेज की कॉम्प्लेक्सिटी वो डिपेंड करेगी नोड्स और लिंक्स के ऊपर। जबकि डिस्टेंस वेक्टर में जो था वो आपके पास नेबर्स के दरमियान में एक्सचेंज कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, तो इस वजह से उसका जो कन्वर्जेंस टाइम है वो वेरी करेगा। अगर स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें, तो जो लिंक स्टेट है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर उसका कॉम्प्लेक्सिटी है और उसमें ऑसिलेशंस हो सकती हैं। जबकि डिस्टेंस वेक्टर जो है उसमें आपके पास जो कन्वर्जेंस टाइम है वो वेरी करता है, नो डाउट उसमें राउटिंग लूप्स आते हो सकते हैं, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, रॉबर्ट्सनेस की बात करें, अगर कोई राउटर ख़राब हो जाए तो जो लिंक स्टेट है वो तो आपके पास एडवर्टाइज इनकोरेक्ट कर सकता है, क्योंकि हर नोड ने अपना राउटिंग टेबल सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक दोबारा कंप्यूट करना है। जबकि डिस्टेंस वेक्टर में ऐसा नहीं होता, अगर कोई पाथ की कॉस्ट इनकोरेक्टली तौर पे चेंज होती है या ख़राब होता है कोई राउटर, तो उसमें जो हर नोड है वो अपना टेबल जो होगा वो अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर वो कॉस्ट गुड न्यूज़ हुआ तो जल्दी ट्रैवल करेगी, अगर बैड न्यूज़ हुआ तो स्लोली ट्रैवल करेगा। तो जो नेटवर्क होगा वो उसके नेट जो एरर होता है वो नेटवर्क में से प्रोपोगेट होते जाता है डिस्टेंस वेक्टर के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट राउटिंग एल्गोरिदम, जिसमें हमने आज दो राउटिंग एल्गोरिदम देखे हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, बेसिकली डाइजेस्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।